Rajniti has become a lucrative business now. प्रभावती जी उस युग की महिला थीं, जबकि हम स्वतंत्र हो जाएंगे ऐसी बात सबको बहुत दूर लगती थी। उस समय गांधी जी चंपारण के किसानों को गोरों के अत्याचार से मुक्त कराने के लिए 1917 में वे बिहार आए थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान शुरू से आखिर तक जो उनके सलाहकार थे वे थे दरभंगा के बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद, और इन मिले गोरों की करतूत का भंडाफोड़ भी किया करते थे, प्रश्न उठाया करते थे। तो स्वाभाविक था उनके मन में भी इच्छा जागी गांधी जी के राह पर चलने की। लेकिन 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया। उस समय समाज में ये सोचना भी मुमकिन नहीं था कि इस तरह से लड़कियां आश्रम में जाकर रहें और इस तरह का काम करें। प्रभावती जी ने 3 चरखों को लेकर और 5 महिलाओं को किसी तरह अपने साथ लेकर महिला चरखा क्लास के नाम से इस संस्था की नींव डाली उन्होंने, जब वे साबरमती आश्रम में थी। तो उन्होंने प्रण कहिए या क्या शब्द प्रयोग किया जाए कि मैं भी ब्रह्मचर्य व्रत लूँगी। गांधी जी ने मना किया। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा पति अभी विदेश में है और उसकी सहमति के बिना ऐसा कोई निर्णय करना ठीक नहीं है। लेकिन वे नहीं मानी। इसमें मैं जयप्रकाश जी का भी बहुत प्रशंसा करूँगी कि ऐसे में वे जब लौट कर आए तो गांधी जी ने उनसे कहा कि प्रभा तो ऐसा व्रत ले चुकी है, तुम चाहो यदि तो दूसरा विवाह कर सकते हो। राजनीति में आने पर उन्हें केवल दुखी भोगना था, और स्वतंत्रता उपरांत भी उन दिनों के नेताओं ने जो किया, देश निर्माण का जो काम किया और जिस प्रकार का जीवन जिया, मैं तो देख चुकी हूँ। आपको कोई वो एक आइकॉनिक मोमेंट याद हो जो जेपी सर का हो और इंदिरा जी के बीच का? चूँकि मेरा परिवार ऐसा था, मेरे पिता स्वयं उस दौरान बंदी बनाए गए थे। जब जुलूस निकला था और जेपी को भी बंदी बनाया, मेरे पिता भी बंदी बनाए गए थे। उनको जेल में कई महीनों तक रखा गया था। तो इस तरह से वो सब तो मैंने देखा, और मुझको बहुत अफसोस लगता है कि जिस उद्देश्य के साथ, जिस विचार के साथ जेपी ने सब दलों को एकजुट किया और उन्होंने इंदिरा गांधी के डिक्टेटरशिप को हटाया यहाँ से, जो कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन ये सब जो लोग साथ आए थे, ये तो इतिहास बताती है कि क्यों वे लोग एकजुट नहीं रह सके, क्यों वे बिखर गए। क्योंकि सब अपना अपना स्वार्थ सोचने लगे। देश का स्वार्थ किसी ने नहीं सोचा। मात्र एक संस्था नहीं, ये राष्ट्रीय धरोहर बन गई। तो इस स्थान को अगर एक तीर्थ स्थल की भी संज्ञा दी जाए तो कोई गलत नहीं होगा। For such fine news breaks and video features from ground on your mobile phones, don't forget to subscribe to our channel, The New Indian, by clicking on the bell icon. Also, follow us on the social media handles on Instagram, Twitter, Facebook, and Coup.